आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास में किए जाने वाले दान दही चावल की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से दुख दरिद्रता का नाश होता है, पाप ताप से मुक्ति मिलती है, वे मनुष्य अंत में विष्णु लोक को पाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार अलकापुरी नगरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण वेद वेदांतों को जानने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। अपने परिवार का पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पाता था। इन सब से दुखी होकर वह ब्राह्मण शुभ अशुभ सभी कर्म करने लगा। उसने हर प्रकार का अच्छा बुरा कार्य करना शुरू कर दिया। वह चोरों का भी साथ देने लगा, परंतु फिर भी उसकी शुद्धा शांत ना हुई। एक बार वह दूसरे देश को चला गया। उसने अपने कुटुंब यानी कि परिवार का भी त्याग कर दिया और दूसरे देश जाकर भी जब उसे अपनी जीविका का कोई साधन ना मिला तो उस पाप बुद्धि ने शमशान में अपना डेरा डाल लिया और वहां मृतकों के नाम से दिए जाने वाले प्रेत पिंड को लेने लगा। इस प्रकार शमशान में रहते हुए वह बलि भोजन करने लगा और अपना जीवन यापन। समय बीतता गया। एक बार ज्येष्ठ मास आने पर वह नित्य की भांति बलि भोजन से प्राप्त दही चावल का सेवन करने लगा तो उसने पहले शमशान में उपस्थित कौओं और अन्य पक्षियों को वह भोजन दिया और फिर स्वयं किया, और अब वह हर रोज ऐसा ही करने लगा। समय बीता और वह ब्राह्मण एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु उपरांत यम के दूत उसे लेने पहुंच गए। यम दूतों को देखकर वह रोने लगा, पर तभी उसने देखा कि अचानक एक विमान आकाश से नीचे उतरा। उसमें से दो देवदूत बाहर निकले और ब्राह्मण के पास आकर उसे आदर सहित विमान में बिठाने लगे। यह देखकर यम के दूत कहने लगे, इस ब्राह्मण ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए यम आज्ञा से हम इसे यमलोक लेकर जाएंगे। तब भगवान विष्णु के दूत बोले, नहीं, ये ब्राह्मण हमारे साथ भगवान विष्णु के लोक को जाएगा। जब यम के दूत ना माने तो विष्णु दूतों ने उन्हें मार मार कर भगा दिया। दोनों दूत यमराज के पास पहुँचे, जाकर सारा वृतांत सुनाया और कहा, आज विष्णु दूतों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। अपने दूतों की बात सुनकर यम देव क्रोधित हो उठे और अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंच गए जहां विष्णु दूत उस ब्राह्मण को लेने गए थे। वहां पहुंच क्रोधित यम देव ने विष्णु दूतों पर प्रहार करते हुए उन्हें भगा दिया और ब्राह्मण को लेकर यम लोक की तरफ चल पड़े। यम देव से पीड़ित विष्णु दूत भगवान विष्णु के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। यह सुनते ही विष्णु जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्रादि देवताओं को आज्ञा दी कि वे यम देव के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि वह ब्राह्मण विष्णु लोक में ही आएगा।
जब सभी देवता यमदेव के पास जाकर उन्हें समझाने लगे तो यमदेव ने कहा, मुझे इस ब्राह्मण का कोई सत्कर्म दिखाई नहीं देता जिससे कि यह विष्णु लोक में जाए। इसने जीवन पर्यंत बुरे कार्य किए। ब्राह्मण होते हुए भी, शुभ अशुभ कर्मों को जानते हुए भी इसने सब कुछ किया। यहाँ तक कि प्रेत पिंड में दिए जाने वाले भोजन का भी यह सेवन करता रहा। अतः यह यमलोक की यातना ही भुगतेगा। इंद्रादि देवताओं के समझाने पर भी जब यमदेव ना माने तो देवता यमदेव से युद्ध करने लगे। यमदेव के दंड के प्रहारों के आगे वह ज़्यादा समय रुक ना सके और दसों दिशाओं की ओर भागने लगे और अंत में जाकर भगवान विष्णु से सब वृतांत कह दिया। तब भगवान अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने सुदर्शन चक्र द्वारा यमदेव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भगवान श्री हरि को इस प्रकार क्रोधित देख इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी को आगे कर श्री हरि की स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देवताओं से वर मांगने को कहा। तब देवों ने वर के रूप में यमराज का जीवन मांग लिया। प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने यमदेव को पुनः जीवित कर दिया। यमदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा याचना की। यमदेव को क्षमा करते हुए भगवान विष्णु ने सभी देवों को ज्येष्ठ मास में दही चावल दान करने की महिमा को बताते हुए कहा कि उस ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास में दही चावल का दान किया, भले ही अनजाने में किया, इसलिए वह मेरे लोक में आने का अधिकारी है। भगवान बोले, इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव के साथ ज्येष्ठ मास में दही चावल का दान ब्राह्मणों को करेगा, कौ और पक्षियों को दही चावल का भोजन कराएगा, वह मृत्यु उपरांत मेरे ही लोक को आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने मुख से ज्येष्ठ मास में दही चावल के दान का महत्तम बताकर भगवान वैकुंठ लोक को चले गए और सभी देवता अपने अपने लोकों को। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।